अभी अभी एक न्यूज़ निकल के सामने आई है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डोरी और निशांत की प्रेम विवाह हुई है, यह बात हर सोशल मीडिया के फैन को पता है। लेकिन जब निशांत के पिता से पूछा गया कि आप इस प्रेम विवाह से खुश थे, तो निशांत के पिता ने कहा कि हमारी तरफ से कोई प्रेम विवाह नहीं हुआ था। जी हाँ दोस्तों, डोली के केस में एक ट्विस्ट आया है। निशांत के पिता का कहना है कि निशांत और डोली की शादी नहीं हुई थी। जब निशांत के पिताजी से मीडिया वाले ने पूछा कि निशांत किसी लड़की के साथ रील वीडियो बनाता है, तो उन्होंने कहा कि रील बनाने के लिए तरह तरह के ड्रेस और सिस्टम को चेंज किया जाता है और उनका मानना है कि शादी नहीं हुई थी। अगर शादी हुई है तो उसका रिकॉर्ड दीजिए, कोर्ट मैरिज दीजिए या सामाजिक मैरिज दीजिए। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले से कि आप फिल्म देखते हैं? मीडिया वाले ने कहा हाँ हम देखते हैं फिल्म। निशांत के पिता ने कहा कि हीरो क्या सभी हीरोइनों से शादी कर लेता है? नहीं ना, तो ऐसा नहीं होता है। और निशांत के पिता ने कहा मेरे बेटे का उम्र 14 से 15 के बीच का है और वह लड़की 18 की है। मेरा बेटा अंडर एज है। मेरे बेटों को उस लड़की ने और उसके परिवार वालों ने मिल के फंसाया है। और जब उनसे पूछा गया डोरी निशांत के बहन के शादी में कैसे पहुंची, तो उन्होंने कहा कि शादी में लाखों और हजारों लोग आते हैं, हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपके बेटे के साथ एक लड़की रहती है, तो निशांत के पिता ने कहा कि वह लड़की कितने दिन से निशांत के साथ रहती है, हमें इसके बारे में नहीं जानकारी। हम जानते थे कि हमारा बेटा पटना गया है पढ़ने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग इस मामले को किस नज़रिए से देखते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और अपडेट लेकर।